कहता हूं कि आप कुरान अगर पढ़ते हैं 100 माइल की स्पीड के ऊपर, 30 लोग को बुलाते और 1 घंटे में खत्म करते, तो मैं कहता हूं कि 2 घंटे के लिए बुलाओ, अरबी भी पढ़ो तर्जुमा भी पढ़ो, नहीं तो 30 के बदले 60 लोग को बुलाओ। एक आदमी अगर एक पारा पढ़ता है तो एक आदमी को बोला आधा पारा पढ़ो अरबी में और आधा पारा तर्जुमा पढ़ो, कम अज कम वो कुरान तो पढ़ना हदीस में लिखा नहीं, लेकिन कम अज कम अगर आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको इल्म तो हासिल होगा और इंशाअल्लाह कुछ चीज के ऊपर अमल तो करेंगे। तो कुरान को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एक मिसाल मैं पेश करता हूं कि अगर आप फ्रांस जाते हैं एक डिग्री हासिल करने के लिए, बीएससी की डिग्री, आप फ्रेंच नहीं जानते, आप क्लास अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, टीचर उस्ताद आपको पी देता है, प्रेजेंट बोलते हैं हाजिर है, हाजिर है तो पी लिखता है, प्रेजेंट, पी फॉर प्रेजेंट, इंग्लिश में प्रेजेंट। आप पूरा साल प्रेजेंट रहते, पी मिलता है आपको, आप खुश है। जब एग्जामिनेशन आता है तो क्वेश्चन पेपर, सवाल का जो पेपर होता है आपको फ्रेंच में मिलता है, आपको फ्रेंच नहीं आती, आप कुछ समझ नहीं सकते, लेकिन एग्जामिनेशन में भी आपको प्रेजेंट मिलता है, पी, क्या आप जवाब दे सकेंगे पेपर का? आप कुछ सवाल ही नहीं समझे तो जवाब क्या देंगे? तो ये पी जो है वो प्रेजेंट के लिए, पास के लिए नहीं, आप एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे। तो आप सिर्फ कुरान शरीफ अरबी से पढ़ेंगे आपको पी मिलेगा, लेकिन वो पी पास के लिए नहीं है, प्रेजेंट के लिए, मौजूद, हाजिर। हमें गलत फहमी है कि हम पढ़ेंगे तो जन्नत में जाएंगे, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ के समझो और कुरान मजीद पे अमल करो तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। हम क्या करते, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को इज्जत देते, और अक्सर हम लोग क्या करते, इतनी इज्जत देते क्या उसका मकसद ही फौत हो जाता है। हम कुरान मजीद को एकदम ऊपर के शेल्फ पे, अलमारी के सबसे ऊंची जगह पे रखते हैं, इतना ऊंचा रखते हैं कि अगर पढ़ने की चाह दो तो चढ़ना निकालना 10 बार सोचेंगे, और उसके ऊपर धूल आती है, धूल लगी होती है। जो किताब हम रोज इस्तेमाल करना चाहते वो किताब ऐसे हाइट पे रखना चाहिए, ऐसे जगह पे रखना चाहिए जो आसानी से निकाली जा सकती। कुरान शरीफ, कुरान मजीद हमारे लिए एक हिदायत की किताब है, रोज की जिंदगी के लिए हिदायत है, तो ऐसे जगह रखो कि फौरन उसको हासिल कर सके, पढ़ सके। कुछ लोग कुरान मजीद को कपड़े में, मखमल के कपड़े में इतना टाइट बांध के रखते हैं कि जब पढ़ने का शौक हुआ तो बोलेंगे अरे खोलने के लिए 5 मिनट, बांधने के लिए 10 मिनट, मेरे पास तो सिर्फ 10 मिनट है, जान दो नहीं पढ़ूंगा। इज्जत देना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ऊपर की इज्जत और दिल में इज्जत ने कोई फायदा नहीं। हम कुरान मजीद को हाथ लगाने के पहले 1000 चीज सोचते, जैसा कि वो आरडीएक्स बॉम्ब में फट जाएगा, क्या हम कुरान मजीद को मैं जूता पहना हाथ लगा सकता हूँ क्या नहीं, मेरी वजू नहीं हाथ लगा सकता हूँ क्या नहीं, मैं खड़ा हूँ तो पढ़ सकता हूँ क्या नहीं, मैं गाड़ी में सफर कर रहा हूँ कुरान शरीफ पढ़ सकता हूँ क्या नहीं, मैं ऑफिस में पढ़ सकता हूँ क्या नहीं। कुरान में कहाँ नहीं लिखा कि खड़े होके मत पढ़ो, जूते पहन के मत पढ़ो, ऑफिस में मत पढ़ो, सफर कर रहे तो मत पढ़ो। ये हमारे गलत फहमियां हैं। कुरान शरीफ ऐसी किताब है जो रोज आप पढ़ना चाहिए। इज्जत दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, मैं नहीं कहता मत दीजिए, इतनी मत दीजिए क्या उसका मकसद फोत हो जाए। मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मैं जूते पहना होना तो नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मैं सफर कर रहा हूं अभी गाड़ी में तो कैसा पढ़ूं, मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरी वजू नहीं, वजू अच्छी बात है, वजू होना अफजल है लेकिन फर्ज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लेकिन कोई दलील नहीं है, इब्ने हजर जिसने तफसीर लिखी सही बुखारी की, वो कहते हैं कि कुरान मजीद को हाथ लगाने के लिए कोई शरारत नहीं, लेकिन आप वजू में तो अफजल है, लेकिन अफजल यह है कि कम से कम पढ़ के अमल तो करो। आप बोलेंगे वजू में इसे पढ़ूंगा ही नहीं, तो हमें बहुत से गलत फहमियां हैं जो हमें दूर करना चाहिए। और आप जाएंगे अरब मालिक में नमाज के लिए, अगर 10 मिनट बाकी है तो अरब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ को लेंगे और पढ़ेंगे, वो अरबी जबान जानते होंगे, तर्जुमा की जरूरत नहीं। यहाँ भी चंद मस्जिद में अगर वक्त बाकी है सलाह का तो लोग कुरान शरीफ पढ़ते, लेकिन सिर्फ पहली सफ में पढ़ते, अगर कोई दूसरी सफ में पढ़ता होगा तो कोई उसका कान पकड़ेगा। आप कुरान शरीफ दूसरी सफ में कैसा पढ़ रहे, वो पहली सफ वाले की पीठ है कुरान शरीफ के, वहां आप बेहरमती कर रहे कुरान की,
आप जाइए हरम में, यहाँ तुलबा स्टूडेंट लोग जो कुरान पढ़ते हैं, आधे स्टूडेंट की पेट एक दूसरे के कुरान के वहाँ रहती है, वहाँ लोग पढ़ते हैं। और अगर आप कभी मस्जिद में कुरान पढ़ रहे हैं और आपकी पीट काबे की तरफ है तो आपकी खैर नहीं, काबे की तरफ पीट करते हुए कुरान मस्जिद पढ़ रहे, किधर भी कुरान हदीस में नहीं लिखला काबे की तरफ पीट करके पढ़ना हराम है। आप जाएंगे हरम में तो जो लोग पढ़ते हैं उस्ताद काबे को फेस करता है, काबे की तरफ मुंह है और सब तुलबा की पीठ काबे की तरफ है, किधर लिखा हुआ है? ये हमारे गलत फहमियां हैं जो हमें दूर करना चाहिए। कुरान मजीद को ऐसी किताब बनाना चाहिए जो हर रोज हमें हिदायत दे, हर रोज उसका मुताला करना चाहिए। हम इतनी इज्जत देते, दीजिए महीने के तो मत दीजिए, वो इतनी मत दीजिए कि उसका मकसद ही फोत हो जाए। और एक चुटकुला और एक पेश करना चाहता हूं, एक हिंदुस्तान के बहुत मशहूर कारी सऊदी अरेबिया गए थे और मगरिब का वक्त हो चुका था, आजान हो चुकी थी मगरिब की, तो वहां के अरब लोग ने बोले हिंदुस्तान के कारी माशाल्लाह इतने अच्छे, उन्हें कहा कि आप इमामत करो। तो हिंदुस्तान के कारी इमामत के, मगरिब की सलाह अच्छी करात पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, मगरिब की सलाह हो गई। एक अरब कारी साहब को देख के मुस्कुराया, तो कारी साहब ने उनसे पूछा क्या आपको मेरी किरात पसंद नहीं आई? तो अरब ने कहा आपकी किरात तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि मगरिब सलाह में आपने यूसुफ अलैहि सलाम को कुएं में डाला लेकिन सलाह के पहले बाहर क्यों नहीं निकाला? जो लोग कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़ चुके हैं वो जानेंगे कि क्या चुटकुला है। सूरह यूसुफ में लिखा है, आप जानते होंगे सूरह यूसुफ के अंदर यूसुफ अलैहि सलाम के भाई डालते हैं और एक कारवाता है और उसे कुएं के बाहर निकालते हैं, ये सारा जिक्र कुरान शरीफ में सूरह यूसुफ में। तो कारी साहब ने सूरह यूसुफ की तिलावत की है, यूसुफ अलैहि सलाम को कुएं में डाले लेकिन सलाह खत्म होने के पहले कम से कम बाहर तो निकाल लेना था, कुएं में डालते लेकिन बाहर निकाल लेना सलाह खत्म हो गई। उसका मतलब ये कि कारी साहब तिलावत तो अच्छी की है लेकिन क्या कुरान शरीफ की मानी वो समझे नहीं, तो कुएं में डाले लेकिन बाहर नहीं निकाले यूसुफ अलैहि सलाम को, ये चुटकुला है। तो हमें कुरान मजीद की इज्जत करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी इज्जत है दिल में, और उसको समझ के पढ़े और कुरान मजीद के ऊपर अमल करे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ में सूरह मोहम्मद में सूरह नंबर 47 आयत नंबर 24 में, आप क्या कुरान को नहीं समझते? क्या आपका दिल इतना सख्त है, आपके दिल पे ताले लग गए? अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या आप कुरान को नहीं समझते, आपके दिल पे क्या ताले लग गए? अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 159 में कि अल्लाह सुबहाना व ताला जब अपनी आयतें नाजिल करते हैं और आम करते हैं, और आप अगर उन आयतों को लोगों से छुपाते हैं तो अल्लाह ताला की लानत है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 30 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह ताला से क्या, या अल्लाह ये मेरी उम्मा है जिसने कुरान के साथ खिलवाड़ किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत देते हैं कि ये मेरी उम्मा है जो कुरान शरीफ के साथ खिलवाड़ किए। तो हमारा फ़र्ज है कि हम कुरान मजीद को पढ़े और समझे। और कुरान मजीद पढ़ने के दो तरीके होते, एक तज़क्कुर कुरान एक तदब्बुर कुरान। तज़क्कुर कुरान मीन्स कुरान शरीफ को पढ़ना ऊपरी तरीके से, और तदब्बुर कुरान मीन्स कुरान मजीद के मानी को गहराई से और तदब्बुर करना। और हमारा फ़र्ज है कि हम कुरान शरीफ को पढ़े। हर मुसलमान के घर में कुरान मजीद का तर्जुमा होना चाहिए अगर आप अरबी ज़बान नहीं जानते। सबसे बेहतरीन किताब जो आप किसको गिफ्ट दे सके, तोहफा दे सके, वो है कुरान मजीद। अगर आप किसी घर पे जाते निकाह के ऊपर या कहीं भी फंक्शन में, सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद। आप अपने बच्चे को सबसे बेहतरीन किताब दे सकते वो कुरान मजीद। और हमें चाहिए कि हर रोज़ हम घर में कम से कम 20 या 25 मिनट घर वालों को लेके कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़े। आपकी और आपके घर वालों की ज़िंदगी इंशाअल्लाह बदल जाएंगी। मैं तकरीर के आखिर में कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 कि अगर आप सारे पेड़ को कलम में तब्दील करेंगे, सारे समुंदर 7 समुंदर भी लगा देंगे और शाही में बदलेंगे, तो भी आप अल्लाह ताला की तारीफ नहीं लिख सकोगे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 24 में
अगर ये कुरान पहाड़ पे नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेजा